इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF अर्थात महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लें माना a बराबर 867 और b बराबर 255। हम 867 को a मान लिए और 255 को b मान लिए। यहां हम देख रहे हैं कि 867 अर्थात a बड़ा है b से, यहां 867 बड़ा है 255 से। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला संख्या है उससे हम उससे बड़े वाले संख्या में भाग देते हैं, अर्थात ये 255 से हम भाग देंगे 867 में। मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में भाग देना। तो यहाँ हमारा 255 सबसे छोटा है और 867 बड़ा संख्या है, इसीलिए हम ये 255 से 867 में भाग देंगे। अब यहाँ 255 से 867 में ये तीन बार भाग लगेगा, तो अब तीन से जब भाग देंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 5 3 15 के 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, और ये 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, 7 से 5 गया 2 हो जाएगा, 6 से 6 गया 0 और 8 से 7 गया तो ये 1 हो जाएगा, अर्थात हमें यहाँ शेष 102 मिल गया। हमें जो शेष मिला वो 102 लिख मिला। अब हम यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ 867 है तो 867 बराबर ये 255 गुना 3 जोड़ 102। हम क्या किए, 867 को यहाँ लिखे बराबर ये 255 गुना 3, 255 में 3 से गुना किए, जोड़ का चिन्ह दिए, और जो हमारा शेष 102 है उसे हम यहाँ जोड़ दिए। अब अगला हम क्या करेंगे, ये जो हमें शेष आ गया 102, अब इस 102 से हम ये जो 255 है उसमें भाग देंगे, अर्थात 102 से 255 को हम भाग देंगे जो हमारा शेष है। अब यहाँ 102 से जब हम 255 में भाग देंगे तो ये 2 से भाग लग जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, अब 5 से 4 गया 1 हो जाएगा, 5 से 0 घटा देंगे तो 5 और ये 2 से 2 कट गया। हमारा यहाँ शेष 51 हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चरण सेकेंड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 255 बराबर 102 गुना, ये 102 गुना 2 जोड़ शेष को जोड़ देंगे, शेष हमारा यहाँ 51 है। अब हम क्या करेंगे, इस 51 से जो हमारा शेष है इस 51 से 102 में भाग देंगे तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 1 2 5 2 9 10 और यहाँ जो हमारा शेष हो गया वो 0 आ गया, हमारा शेष 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 102, ये जो 102 है इसको पहले लिखेंगे, फिर ये 51 गुना 2 जोड़ शेष हमारा 0 है। अब है ये चूंकि यहाँ हमारा शेष 0 हो गया
इसीलिए हमारा जो मस हो जाएगा मस वो 51 हो जाएगा, मस 51 हो गया, अर्थात 867 और 255 का जो मस होगा वो 51 हो गया। ये था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।